HDFC मिलेनियम क्रेडिट कार्ड आपको कुछ खास ऑफर के साथ में आपको ये क्रेडिट कार्ड मिलता है जो कि HDFC बैंक के साथ में मिलता है। HDFC मिलेनियम क्रेडिट कार्ड के साथ में आपको जो सबसे बड़ा ऑफर मिलता है वो कि आप जब इस कार्ड को आप अप्लाई करते हैं, इस कार्ड को अप्लाई करने के बाद में जब ये कार्ड आपका सक्सेसफुल अप्रूव होता है तो इस कार्ड में आपको 1500 रुपये का अमेज़ोन गिफ्ट वाउचर मिलता है जो कि इस कार्ड को अप्लाई करने के तुरंत बाद आपको मिलता है, जो कि आपको 1500 रुपये तक का होता है। ये गिफ्ट वाउचर आपको अगर आपका कार्ड सक्सेसफुल अप्रूव होता है तो ये गिफ्ट वाउचर आपको मिलता है। इस कार्ड के साथ में आपको और भी कुछ खास ऑफर मिल जाते हैं, जैसे इस कार्ड के साथ में आपको एयरपोर्ट पर आपका लगेज का कुछ ऑफर्स मिल जाएंगे। और इस कार्ड की एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप इस कार्ड को अप्लाई क्या कैसे कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस है, इस कार्ड को लेने के लिए आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे, क्या रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट क्या होंगे, तो वो आपको मैं इस वीडियो में सारी सब चीज़ें बताने वाला हूँ। तो इस कार्ड को लेने के लिए जो आपकी एज की जो रिक्वायरमेंट है, अगर आपकी एज 21 साल से लेकर मैक्सिमम आपकी 65 ईयर्स है तो आप इस कार्ड को ले सकते हैं। मैक्सिमम सैलरी जो आपकी 20,000 अगर आप पर मंथ कमाते हैं, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो भी आप इस कार्ड को ले सकते हैं। लेकिन आप सेल्फ एम्प्लॉयड है और आपका खुद का बिजनेस है तो अगर आप अपने बिजनेस से 50,000 पर मंथ की इनकम कर रहे हैं तो भी आप इस कार्ड को ले सकते हैं। ये दोनों क्राइटेरिया आपको इस कार्ड को लेने के लिए। और इस कार्ड के साथ में आपको डॉक्यूमेंट्स क्या देने होंगे, डॉक्यूमेंट्स देने के लिए अगर आपके पास में आधार कार्ड, पासपोर्ट, ATC या आपका वोटर ID कार्ड है तो आप दे सकते हैं। और आपका पैन प्रूफ में आपको पैन कार्ड या वोटर ID कार्ड देना हो। इनकम प्रूफ में आपको क्या देना होगा, इनकम प्रूफ में आपको बैंक स्टेटमेंट या आपको सैलरी स्लिप देनी होगी, दोनों में से एक डॉक्यूमेंट आपको देना रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ अगर आपका सिविल स्कोर है तो आप दे सकते हैं, उसमें आपके चांसेस बढ़ जाता है कि आपका कार्ड अप्रूव जल्दी हो जाता है अगर आपका सिविल स्कोर बना हुआ है। अदरवाइज अगर सिविल स्कोर 0 है और आपका पहले आपने भी कोई कार्ड अप्लाई नहीं किया, पहले से आपको कोई भी प्रोडक्ट आपने EMI पर परचेस नहीं किया जिससे आपका सिविल स्कोर कभी नहीं बना, लेकिन आपकी इनकम अगर 20,000 से ज़्यादा है तो आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी आपका सक्सेसफुल अप्रूव हो जाएगा। इस कार्ड की ज्वाइनिंग फ़ीस की बात करें तो इसमें 500 प्लस GST आपको ज्वाइनिंग फ़ीस लगने वाली है, जो कि आपको ज्वाइनिंग फ़ीस देनी होगी। और एनुअल फ़ी की बात करें तो एनुअल फ़ी भी आपको 500 प्लस GST लगने वाली है, जो आपकी एनुअल फ़ी है, आपकी एक साल की एनुअल फ़ी, ये भी आपको लगने वाली है। तो ये ज्वाइनिंग फ़ीस और एनुअल फ़ी ये आपको देनी होगी अगर आपका कार्ड सक्सेसफुल अप्रूव होता है। कार्ड का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से इस कार्ड को सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस ईजी है, इसके लिए आपको सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको इसमें OTP के थ्रू आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना ज़रूरी है, तो आपकी OTP ऑनलाइन KYC हो जाएगी। अगर इस कार्ड को आप ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑफलाइन करने के लिए आपको अपने बैंक विजिट करना होगा, वहां से भी आप इस कार्ड को ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों तरीके इस कार्ड को अप्लाई करने के। आई होप आज की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और को एक कार्ड के साथ में।